वेलकम टू स्विगी फूड। मैं हूँ मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे अहमदाबाद के माने चौक का फेमस जामुन सॉर्ट। ये बहुत ही टेस्टी होता है और कम समय में बनकर तैयार हो जाता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जामुन सॉर्ट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जामुन को पहले से ही फ्रोजन करके रखा है। हमें यहाँ पे जामुन को इस तरह से फ्रीज करने के बाद ही इस्तेमाल करना है, तो मैं एक पाउच बाहर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे हमें चाहिए फ्रोजन जामुन, बर्फ के टुकड़े, चीनी, नमक और जरूरत अनुसार थोड़ा सा ठंडा पानी। तो सबसे पहले हम एक मिक्सर जार ले लेंगे और हमने जो जामुन का पल्प फ्रोजन किया है उसमें से 200 से 250 ग्राम जितना जामुन पल्प मैं मिक्सर जार में निकाल लूंगी। तो ये पल्प फ्रीज होने के बाद इस तरह का हो जाता है और बाकी का जो पल्प बचता है उसे हम जिप पाउच में इसी तरह से पैक करके दोबारा से फ्रीजर में रख देंगे। तो ये पल्प मैंने जो लिया है उसमें हम बाकी की सामग्री ऐड करेंगे। इसमें हम 7 से 8 बर्फ के टुकड़े डालेंगे, ये एकदम ठंडा सा होता है। इसी के साथ हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी। अगर जामुन कैसे मीठे है उस हिसाब से आप इसमें चीनी डालें। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है। अभी हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले इसी तरह से इसे ब्लेंड कर लेंगे। इसे ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे मैं न्यूट्री ब्लेंड का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह का ब्लेंडर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी मिक्सर इस्तेमाल कर सकते हो। ये इस तरह से थोड़ा ब्लेंड हो जाए उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच जितना एकदम ठंडा पानी डालेंगे और फिर से इसे ब्लेंड कर लेंगे। बाहर जो जामुन सॉर्ट्स मिलता है उसमें जो बर्फ के टुकड़े यूज होते हैं उसका बारीक चूरा होता है, तो उसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो आप देख सकते हैं ये जामुन सॉर्ट्स बनकर तैयार है। इसे ग्लास में निकालने के लिए मैं पहले इस तरह का इसका अटैचमेंट लगा दूंगी। अब इसका सर्विंग कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो इस तरह के कांच के और प्लास्टिक के छोटे छोटे ग्लास मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। इसका सर्विंग करने के लिए आपको चाहिए नींबू और थोड़ा सा नमक, जो रूटीन में नमक हम इस्तेमाल करते हैं वही लेना है। उसे प्लेट में इस तरह से थोड़ा फैला दे। अब जो ग्लास हमने लिया है उसके किनारों पर नींबू लगाना है, तो नींबू के बीज मैंने निकाल दिए हैं। इस तरह से उसके किनारों पर नींबू का रस लगा दे। अब जो नमक हमने लिया है उससे इस तरह से ग्लास का डेकोरेशन करेंगे। आप बिना डेकोरेशन के भी इसे सर्व कर सकते हो, लेकिन इस तरह से वो देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो चारों ग्लास मैंने डेकोरेट कर दिए है। अब जो जामुन सॉर्ट्स हमने बनाया है वो इसमें डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया है और इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अगर ये पतला होगा तो पीने में इतना टेस्टी नहीं लगेगा। अभी जो मेजरमेंट लिया उससे 5 ग्लास जामुन सॉर्ट्स बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, देखा ना घर पे जामुन सॉर्ट्स बनाना कितना आसान है और बहुत ही कम दाम में ये बनकर तैयार हो जाता है। और अगर आप जामुन को फ्रोजन करके रखते हो तो बिना सीजन भी आप ये बनाकर पी सकते हो। जामुन को कैसे फ्रोजन करना है उसकी रेसिपी मैंने पहले ही आपके साथ शेयर की है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया है। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। ओके।